अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शायदा परवीन हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, जामुन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आज हम इसी का शरबत बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जामुन का शरबत कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जामुन का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम फ्रेश जामुन लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश करके मैंने रखा है। और अब यहाँ पर मैंने ये प्लेट ले ली है और इस जामुन को मैंने देखिए इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पर देखिए सभी जामुन को मैंने ऐसे काट लिया है और इसकी जो गुठलियाँ थी उसे निकाल के मैंने अलग रख दिया है। तो ये देखिए इसकी सारी ये गुठलियाँ, इन्हें हम हटा देंगे। और अब यहाँ पर मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें जो जामुन को मैंने काटा था वो सब इस जार में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने इस जार में बर्फ़ के कुछ टुकड़े इसमें ऐड किए हैं। और बर्फ़ के टुकड़े ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जामुन को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक चम्मच भर के इसमें चीनी ऐड की है और थोड़ी सी और, तो आप जितना मीठा पीना पसंद करते हो शरबत तो उतनी चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी कम ही ऐड की है। और यहाँ पर 3 से 4 पिंच मैंने ब्लैक सॉल्ट भी इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है और एक बार दोबारा से फिर से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जामुन का शरबत हमारा बन के काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 ग्लास ले लिए हैं और चलिए इसमें शरबत को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और साथ ही में मैंने बर्फ़ के इसमें टुकड़े डाले हैं, तो आप अगर वैसे इसे ठंडा करके पीना चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख के पी सकते हैं और या फिर आप इसमें बर्फ़ को ऐड करके इसे ठंडा करके पी सकते हैं। तो यहाँ पर शरबत को मैंने इसमें ग्लासों में ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ पर शरबत को मैंने ग्लासों में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे एक चम्मच से अच्छे से चला दिया है। और साथ ही में मैंने अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट लिया है और ऊपर से इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। तो आप अगर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने जामुन के कुछ पीस का बचा लिए थे, जो जामुन को मैंने अभी काटा था तो उसके कुछ टुकड़े मैंने बचा लिए थे। तो गार्निशिंग में मैंने ऊपर से इसमें जामुन के टुकड़े ऐड किए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा जामुन का शरबत बन के बिल्कुल परफेक्ट तरह से तैयार है और आप इसे पिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जामुन हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।